हे गाइस, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ट्विंकल क्रीम से कितना ज़्यादा चेहरा गोरा हो जाता है, लेकिन ये जो ट्विंकल क्रीम है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके स्किन के लिए। मतलब जब तक आप लगाएंगे तब तक बहुत अच्छा असर दिखेगा आपको, 4 से 5 दिन में बहुत ज़्यादा चेहरा ब्राइट हो जाएगा। और जैसे लेकिन बहुत ज़्यादा चेहरा ब्राइट हो जाएगा, लेकिन आप जब तक लगाएंगे सिर्फ ऑनली तब तक के लिए। और जैसे ही आप इस क्रीम को अगर आप जैसे ही छोड़ते हैं तो आपको मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल दिखने लगेगी, और जब आप धूप में जाएंगे आपका चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ जाएगा। तो इस क्रीम को आप यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने इस क्रीम को यूज़ किया है इसलिए मैं आपको हॉनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ इस क्रीम के। और जब तक आप लगाएंगे आपका चेहरा बहुत प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी लेकिन कि जब तक आप इस क्रीम को यूज़ करेंगे सिर्फ तब तक के लिए आपको एक गोरापन दिखेगा आपका। और इस क्रीम को आप रात में ओनली यूज़ करें, रात में मुंह धोने के बाद इसको पूरे फेस पे लगा के सो जाइए। लेकिन इस क्रीम को कभी भी धूप में लगा के मत जाना, क्योंकि ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। और इस क्रीम को ओनली प्रेग्नेंट लेडी यूज़ ना करें, जिसको फेस पे ओनली पहले से जिसकी स्किन सेंसिटिव है वो लोग बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा पतला कर देगा, आपके गाल की नसें दिखने शुरू हो जाएंगी, इतनी पतली स्किन कर देगा ये। और आपका चेहरा बहुत ज़्यादा पतला कर देगा और बहुत सेंसिटिव स्किन हो जाएगी आपको। तो और यहाँ पे पीछे दे भी रखा है, आपको अच्छे से बता भी रखा है कि इस क्रीम को प्रेग्नेंट लेडी यूज़ ना करें। और जैसे आप इस क्रीम को छोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं आपका चेहरा पहले से ऐसा हो सकता है, आपके ऐसे दाने हो सकते हैं अगर आप ये क्रीम छोड़ते हैं। अगर आप इस क्रीम को लगाते हैं तो इस क्रीम को छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं छोड़ना तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँ।